उधर बीजेपी का कहना है कि हरिद्वार में अमित शाह की रैली के साथ ही वो चुनावी बिगुल फूंक देंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के मुताबिक पार्टी इस बार 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करेगी। अजय भट्ट का यह भी कहना है कि प्रदेश में पार्टी किसी चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ेगी या नहीं केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी में इस वक्त कई नेता हैं जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। 3 हमारे पहले के मुख्यमंत्री हैं, 4थे बहुगुणा जी आ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। हमारे यहाँ पर 6 पूर्व के अध्यक्ष हैं जो पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं और 6 ही हमारे यहाँ संगठन मंत्री हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हमारे विधायक मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा हमारे वहाँ मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं, इसलिए कलेक्टिव लीडरशिप भी हो सकती है, किसी एक का चेहरा भी दे सकते हैं, ये केंद्र पर डिपेंड करता है। और उधर हरिद्वार में अमित शाह की रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक ये रैली ऐतिहासिक होगी और इसी के साथ बीजेपी 2017 विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी कर देगी। हरिद्वार से बीजेपी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और राज्य में सरकार बनाएगी। पूरे क्षेत्र में बहुत उत्साह है और हम समझते हैं कि ये इतिहास रचाएगी रैली। रैली में बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आएगा, आम जनता आएगी, जो पिछड़े लोग हैं, भारत सरकार ने जिन लोगों को, जिन गरीबों को, पिछड़े अंतिम छोर के लोगों को जिस तरीके से लाभ दिया है, वो सारे के सारे लोग बहुत उत्साहित हैं और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर अभिनंदन करना चाहेंगे और यहीं से वो शंखनाद करेंगे ताकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बने।